हेलो फ्रेंड्स, देखिए टेस्टी हेल्दी रेसिपी संडे स्पेशल में मैं आज बनाने जा रही हूँ लौकी के कोफ्ते। देखिए लौकी आप लोग कोई भी नहीं खाते हैं, बच्चे भी नहीं खाते हैं लौकी की सब्जी। तो लौकी को देखिए आप इस ढंग से बनाएंगे, अगर इसके घिया जिसे कहते हैं लौकी, अगर उसके कबाब बनाकर आप खिलाएंगे बच्चों को तो बच्चे भी आसानी से खा लेंगे और सब बड़े भी खा लेंगे, सब खुश होकर खाएंगे। ये बहुत हेल्दी चीज है फ्रेंड्स, इसको खाना बहुत जरूरी है। ये आपका डाइजेशन अच्छा करती है, पेट की 15-20 बीमारियों को ये जड़ से खत्म करती है, ठीक है। डायबिटीज कंट्रोल करती है, ये आपका वेट लॉस करती है और आपके इसको ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है। तो फ्रेंड्स लौकी खाना बहुत जरूरी है। देखिए आप इसमें पानी देख रहे होंगे, मैंने इसको घिस के, जो कद्दूकस जिसे कहते हैं करना, मैंने इसको घिस के कद्दूकस पे से करके और इसमें नमक डाल के ढक के रख दिया था। तो इसको आधा घंटा रखना जरूरी है नमक डाल के, तो ये इसका सारा पानी इसका छूट जाएगा। तो फिर अपन इसके अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर सॉफ्ट हो जाएगी अगर इसका पानी भी अपन यूज कर लेंगे तो, आप चाहे तो इसका नमक वाला पानी आटा गूंदने में किसी और चीज में यूज कर सकते हैं, अगर आपको उसके भी वो बेनिफिट्स चाहिए तो फुल बेनिफिट्स, वरना इसको अपन निचोड़ के फेंक देंगे, ठीक है। फिर अपन इसमें डालेंगे बेसन, और नमक ऑलरेडी इसमें डला हुआ है, क्योंकि नमक डाला अपन ने तभी इसने पानी छोड़ा, तो नमक ज्यादा डला हुआ एक्सेस, तो पानी में निकल भी जाएगा तो इसमें सफिशियंट है, ठीक है, नमक और नहीं डालना आपको। अब फिर इसके अंदर अपन डालेंगे प्याज कटी हुई, ये कटी हुई फाइन चॉप प्याज, ओनियन फाइन चॉप, चिली और ये फाइन चॉप कोरिएंडर, धनिया डालना है, ये तीनों चीजें अपन इसमें डालेंगे, ठीक है। डाल के इसको अपन इसके बांध लेंगे कबाब जैसे, फिर अपन इसको फ्राई कर लेंगे। और फिर ये मैंने रखा है ग्रेवी का मसाला, देखिए अदरक का एक टुकड़ा, लहसुन और ये प्याज, ये मैं अभी इसमें पीस लूंगी तो ग्रेवी वाली बनाएंगे अपन। फ्रेंड्स ग्रेवी वाली भी खा सकते हैं, और इसको आप, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस, आप तेल नहीं खाना चाहते, ऑयल नहीं खाना चाहते, तो आप इसको कड़ी में भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको इसे फ्राई तो करना पड़ेगा। चाहे आप तवे पे शेलो फ्राई कर लीजिए, थोड़ा सा तेल लगेगा उसमें, ऑयल लगेगा, या आप बटर में भी इसको फ्राई कर सकते हैं, उससे और ज्यादा टेस्ट इसका बढ़ जाएगा, तो आपको तेल नहीं खाना हो तो। और फिर आप इसको कड़ी जैसे बनाते बेसन की, जो दही में घोल के, उसके अंदर भी आप इसके बने हुए कबाब डाल सकते हैं, और आप चाहे तो ग्रेवी वाले कबाब भी डाल सकते हो। तो देखिए मैं तो ग्रेवी वाली बना रही हूँ आज, ठीक है। तो देखिए मैं आपको इसका बना के बताती हूँ। देखिए इसमें डालेंगे बेसन, नमक ऑलरेडी डला हुआ है इसमें, तो कोरिएंडर डालेंगे, मिर्ची डालेंगे और ये प्याज डालेंगे, प्लस इसमें से ड्राई में से अपन ये थोड़ी सी लाल मिर्च भी डालेंगे, हल्दी और धनिया, तीनों टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे अपन इसमें, ठीक है। फिर मैं आपको आगे की प्रोसेस बताती हूँ, और मैं ये भी पीस के आपको बताती हूँ। देखिए मेरे कबाब बन चुके हैं, ये देखिए थोड़ा सा छोटे बड़े दिखेंगे आपको साइज में, क्योंकि क्या फ्रेंड्स ना, लौकी लगातार पानी छोड़ती है, कंटिन्यूअसली इसमें से पानी होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पानी होता है, इसीलिए तो ये बॉडी को हाइड्रेट भी रखती है। तो आपको बॉडी को अगर पानी की पूर्ति करना, हाइड्रेट रखना है, तो आप लौकी का सेवन कीजिए। तो ये भी इसका एक बहुत अच्छा सा फीचर है कि बॉडी को आपकी हाइड्रेट रखती है। और ये मैंने ग्रेवी का मसाला भी पीस लिया है। अब देखिए मैंने इसमें, तो मैं बनाऊंगी ग्रेवी, क्योंकि हम लोग कम लोग हैं तो कम बनती है, तो मैं छोटी कढ़ाई में ग्रेवी बनाऊंगी। और ये जो बड़ा मैंने पैन लिया है, इसके अंदर मैं इसको फ्राई करती हूँ। अब देखिए मैं फ्राई करने के बाद आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए आप कबाब ये बन चुके हैं, कोफ्ते जो भी आप कहते हैं इनको, देखिए सिक चुके हैं अच्छे से, मैंने इनको फ्राई करा है तो ये हो चुके हैं। और ये देखिए ग्रेवी भी थोड़ी थोड़ी सी हो चुकी है, तैयार होने वाली, बस थोड़ी सी देर लगेगी इसमें। देखिए फ्रेंड्स, ये लौकी आपको किसी भी तरह से अपने बच्चों को, अपने घर वालों को खिलाना चाहिए। अब उनको कैसे खिलाना ये आप पे डिपेंड करता है, आप चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, कोई भी आप कुक करती हो, जो भी हो, तो ये सारे घर वालों के लिए, सबके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स वाली चीज है। तो इसको आप, इसका बदल बदल के रूप आप लौकी को खिला सकते हैं। देखिए बच्चे अक्सर कोई भी, मतलब घर में वाटरी चीजों को पसंद नहीं करते, इसमें पानी ज्यादा होता है, इसलिए इसका थोड़ा सा टेस्ट पानी पानी जैसा होता है, वाटर जैसा, इसलिए बच्चे अक्सर ड्राई चीज पसंद करते हैं। जैसे उनको आलू बना दो आप, और जो है भिंडी बना दें, ये चीजें वो पसंद करते हैं, लेकिन ऐसी वाटरी चीजें बच्चे नहीं खाते, टेंसी, लौकी, ये चीजें। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको उन्हें किस तरह से खिलाना, वो कैसे इस चीज को पसंद करने लगे। तो
तो देखिए मैंने इसमें इसी सीरीज में एक वो पहले लौकी का हलवा भी बनाया था, तो आप वो भी बना सकते हैं। आप सोचे बच्चे सूप पी ले, हमारे बच्चे मोटे हो रहे हैं, उनका डाइजेशन ठीक नहीं है, उनमें पानी की कमी है, तो वो सूप कभी नहीं पियेंगे, वो उसका जूस कभी नहीं पियेंगे। सूप को भी आपको बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा, उसको उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट बटर में फ्राई करके इस टाइप से आप बनाएंगे तो ही बच्चे पी सकते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं, मेरी देखिए ग्रेवी तैयार होने वाली है, फिर मैं आपको फाइनल बताती हूँ इसका। देखिए बनके तैयार हो चुकी है। अब देखिए मैंने प्लेट में भी निकाली है, देखिए कितना प्यारा टेक्सचर आया है इसका। अब इसको सब लोग खा सकते हैं, तो आप फ्रेंड्स बनाइए संडे स्पेशल रेसिपी, घिया लौकी आल इसकी रेसिपी। और फ्रेंड्स स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।